गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा किरण, शिक्षिका जीसस एंड मेरी अकादमी, हिंदी विभाग। बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीयता और मानवता। यह महात्मा गांधी द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयता और मानवता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे स्पष्ट किया है। इसमें उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जितना हमारे लिए राष्ट्रीयता अर्थात अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं भक्ति आवश्यक है, उतना ही हमारे अंदर आवश्यक है मानवता रूपी गुण का होना। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है, मानव को मानव से प्रेम नहीं है, तो वह कभी भी सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। इसी चीज़ का बच्चों महात्मा गांधी ने इस निबंध में बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हम लोग इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, सामने रखिए पाठ 3। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्र प्रेम का मार्ग हमें सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए, यानी अपने प्राणों को भी समय परे तो बलिदान कर देना चाहिए, परिवार को गांव के लिए मिट जाना चाहिए, गांव को जिले, जिले को प्रांत और प्रांत को देश के लिए अपनी बलि दे देनी चाहिए, उसी प्रकार देश के लिए स्वतंत्र होना इसलिए आवश्यक है कि यदि आवश्यकता हो तो वह विश्व के हित के लिए और समस्त मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं को न्योछावर कर सके। हमारी राष्ट्रीयता किन्हीं अन्य देशों के लिए संकट का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि हम न तो किसी का शोषण करेंगे और अगर कोई हमारा शोषण करे तो उस शोषण को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वराज्य के माध्यम से सारी दुनिया की सेवा करेंगे। आगे कहते हैं महात्मा गांधी कि मेरे लिए राष्ट्रीयता और मानवता एक ही चीज़ है। महात्मा गांधी का कहना था कि यानी राष्ट्रीयता और मानवता जो है वह अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चीज़ है। वे कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानव हूँ, सहृदय हूँ। मेरी राष्ट्रीयता यह नहीं है कि मैं भारत की सेवा करने के लिए इंग्लैंड या जर्मनी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी जीवन योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रवाद का नियम परिवार के मुखिया के नियम से भिन्न नहीं है, और जिस राष्ट्रभक्त में मानवतावाद के प्रति उत्साह कम है वह उतना ही कम राष्ट्रभक्त भी माना जाएगा। तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट करना चाहा कि अगर कोई राष्ट्रभक्त है तो वह राष्ट्रभक्त तभी सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता है जब उसके अंदर मानवता की भावना भी विद्यमान हो। अगर उसके अंदर मानवता की भावना कम है, मानवता के प्रति उत्साह कम है, तो वह कभी भी सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं बन सकता है। वे आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है वह अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रवाद तभी संभव है जब राष्ट्रवाद अस्तित्व में आ जाए, अर्थात जब भिन्न भिन्न देशों के लोग संगठित हो जाएं और वे एक व्यक्ति की तरह काम करने योग्य बन जाएं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी जब तक नहीं है तब तक वह अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता है। जब हम अपने देश के प्रति प्रेम रखेंगे, अपने देश के लोगों के प्रति प्रेम की भावना रखेंगे, तभी हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय की भावना भी आएगी और हम दूसरे देशों के साथ भी उसी तरह से प्रेम का व्यवहार कायम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद बुरी चीज़ नहीं है, बुरी है संकुचित वृत्ति और स्वार्थपरकता जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्रत्येक राष्ट्र दूसरे की कीमत पर उसे नष्ट करके उन्नति करना चाहता है। वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वह बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बुरा क्या है, तो हम अपने अंदर जो संकुचित वृत्ति रखते हैं, संकुचित भावना रखते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं
और इसी स्वार्थ की भावना के कारण आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को विनष्ट करना चाहता है, अपनी उन्नति के लिए उसका विनाश करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद ने एक भिन्न मार्ग चुना है। राष्ट्रीय भारत के जो राष्ट्रवाद है वह बिल्कुल उसका रास्ता अलग है। वह समूची मानवता के हित तथा उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित करने की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। चूंकि ईश्वर ने मेरा भाग्य भारत के लोगों के साथ बांध दिया है, इसलिए यदि मैं उनकी सेवा न करता तो अपने सृजनहार के साथ विश्वासघात करने का दोषी होता। वे कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है उसका लक्ष्य है सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि समूची मानवता के हित के लिए और उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित करना। और गांधी जी कहते हैं कि मेरा ईश्वर ने मेरा संबंध चूंकि भारत के साथ जोड़ा है, इसलिए अगर मैं भारत की सेवा नहीं करता हूँ, उन लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ अगर सच्चा प्रेम नहीं करता हूँ, तो यह सृजनहार अर्थात ईश्वर के प्रति विश्वासघात करने के समान होगा। वे कहते हैं कि यदि मैं भारतवासियों की सेवा न कर सका तो मैं मानवता की सेवा करने की योग्य भी नहीं बन पाऊंगा। और जब तक मैं अपने देश की सेवा करते समय किन्हीं अन्य राष्ट्रों को हानि नहीं पहुंचाता, तब तक मैं समझता हूं कि मैं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा। वे कहते हैं कि मेरा लक्ष्य केवल भारतीयों के बीच भाईचारे की स्थापना नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि आज मेरा लगभग पूरा जीवन और पूरा समय इसी में लगा है, लेकिन भारत की आज़ादी को हासिल करने के जरिए मैं संपूर्ण मानवता के बीच भाईचारे के लक्ष्य को प्राप्त कराना चाहता हूँ। गांधी जी का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ केवल भारतीयों के बीच ही भाईचारा स्थापित करना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य समस्त विश्व के साथ भाईचारा स्थापित करना है, समस्त विश्व के लोगों के प्रति, मानवता के प्रति दया रखना ही उनका लक्ष्य है। वे कहते हैं कि मैं उस राष्ट्रभक्ति को नकार दूंगा जो अन्य राष्ट्रीयताओं के दुख और शोषण पर समान होने का प्रयास करेगी। मैं केवल मानव जाति के बीच ही भाईचारे की स्थापना करना नहीं चाहता, बल्कि पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों सहित समस्त प्राणी जगत के साथ तालमेल स्थापित करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए जीवन जितने रूपों में है सब मूलतः एक ही है। गांधी जी के विचार जो थे बच्चों बहुत उच्च थे। उनका कहना था कि वो सिर्फ मानव जाति के साथ ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों के साथ भी वो तालमेल स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका ऐसा इसलिए मानना था क्योंकि उनका विश्वास है कि हम सभी, चाहे मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, समस्त प्राणी एक ही ईश्वर की संतान है। इसलिए सबों के प्रति हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। वे कहते हैं आगे कि मैं भारत का विनम्र सेवक हूँ और भारत की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैं समूची मानवता की सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही यह समझ लिया था कि भारत की सेवा और मानवता की सेवा के बीच कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और शायद मेरी बुद्धि का भी विकास हुआ, मुझे लगने लगा कि मेरी धारणा ठीक ही थी। और आज लगभग 50 वर्ष के सार्वजनिक जीवन के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मेरा इस सिद्धांत में विश्वास और दृढ़ हुआ है कि देश सेवा और विश्व सेवा के बीच कोई अंतर नहीं है। तो गांधी जी जो थे वह बचपन से ही उनके अंदर उच्च विचार व्याप्त थे। वे अपने बचपन के दिनों से ही ये मानते थे कि भारत की सेवा और मानवता के सेवा के बीच कोई अंतर नहीं है। और वे कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे मुझे यह बात और अच्छे से समझ आने लगी कि मेरा जो यह सिद्धांत था वह बिल्कुल सही था और देश सेवा और विश्व सेवा के बीच भी कोई अंतर नहीं है। वे कहते हैं कि इसे अंगीकार करने से ही विश्व की स्थिति में तनाव घटेगा
और विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक ईर्ष्या समाप्त होगी। वे कहते हैं कि जब हमारे अंदर देश सेवा की और विश्व सेवा की भावना होगी और इसे जब हम स्वीकार करेंगे, तभी हमारे विश्व में जो तनाव की स्थिति व्याप्त है वह तनाव भी कम होगा और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो ईर्ष्या की भावना है वह ईर्ष्या की भावना भी समाप्त हो जाएगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ परस्पर संबंध रखे बिना वह विश्व के साथ एकात्मकता स्थापित नहीं कर सकता, अपने अहंकार का दमन नहीं कर सकता। बच्चों, जैसा कि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा मानता है कि मैं स्वयं ही सारे कार्य कर लूँगा तो इससे उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी और यह अहंकार की भावना ही उसके लिए पतन का कारण बन जाएगी। वे कहते हैं कि उसकी सामाजिक परस्पर निर्भरता उसे अपनी आस्था की परीक्षा लेने और स्वयं को वास्तविकता की कसौटी पर कसने का अवसर देती है। यदि मनुष्य इस स्थिति में होता या स्वयं को रख सकता कि वह अपने साथियों पर तनिक भी निर्भर न हो, तो वह इतना गर्वीला और दम्भी हो जाता कि पृथ्वी के ऊपर वस्तुतः भार बन जाता। यह बहुत ही अच्छी पंक्ति है। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य यह विश्वास कर ले या उसके अंदर यह भावना घर कर जाए कि उसे अपने साथियों की कोई ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं निर्भर है, तो वह इतना गर्वीला हो जाएगा, वह इतना घमंडी हो जाएगा, उसके अंदर इतना अहंकार की भावना आ जाएगी कि वह इस पृथ्वी पर भार बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। समाज में निर्भर रहने के कारण ही उसमें मानवता का विकास होता है। चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग हमें अपेक्षित होता है, और इसी गुण के कारण हमारे अंदर मानवता का विकास होता है। यह ठीक है कि मनुष्य को इस योग्य होना चाहिए कि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, लेकिन मुझे भी कोई संदेह नहीं है कि यदि स्वावलंबन की भावना का विस्तार इस सीमा तक किया जाए कि मनुष्य समाज से अलग थलग पड़ जाए, तो यह पाप जैसा होगा। गांधी जी कहते हैं कि मेरा भी यह मानना है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन यह आत्मनिर्भरता अगर इस सीमा तक बढ़ जाए कि मनुष्य जो है वह समाज से बिल्कुल अलग हो जाए, अलग पड़ जाए, तो ऐसी स्वावलंबन की भावना उसके लिए घातक सिद्ध होगी। आदमी कपास उगाने से सूत काटने तक के सारे काम अकेला नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी काम में अपने परिवार की सहायता लेनी पड़ती है, अपने पड़ोसियों की सहायता लेनी पड़ती है, और यही कारण है कि भारत में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वह सत्य होती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि हम कोई भी कार्य बिल्कुल अकेले बच्चों नहीं कर सकते हैं, हमें अपने पड़ोसियों की, अपने मित्रों की, आस पड़ोस की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। हम बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल अकेले रहकर हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि भारत में शुरू से ही यह नारा प्रसिद्ध है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारी परिवार है। हम लोग शुरू से ही सबों को अपने परिवार की तरह मानते आते हैं। वे कहते हैं अंत में कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति ही उसे पशु जगत से भिन्न बनाती है। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य का यह स्वभाव ही है, जो कि वह स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, और अपने इसी गुण के कारण वह दूसरे पशुओं से अलग हो जाता है। यही उसे पशुओं से अलग कर देती है उसकी यह भावना, उसका यह स्वभाव। यदि स्वाधीन होना उसका विशेष अधिकार है तो परस्पर निर्भरता उसका कर्तव्य है। ये कहते हैं कि स्वाधीन होना यानी आज़ाद होना हमारा विशेषाधिकार है, तो एक दूसरे पर निर्भर होना भी उसका कर्तव्य है। इसलिए व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना केवल उसी का सरोकार नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय का, या कहना चाहिए कि पूरी दुनिया का सरोकार है। वे कहते हैं कि इसलिए एक व्यक्ति का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो उसका पड़ोस अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, और जब ये सब अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा बनेगा।
और अगर हम बुरे हैं तो उसका प्रभाव हमारे आस पड़ोस मित्रों समाज देश सबके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमें अच्छा व्यक्ति बनने का ही प्रयत्न करना चाहिए। अंत में कहते हैं कि मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि एक आदमी का लाभ हो जाए और उसके आसपास के लोग दुख में लिप्त रहें। गांधी जी का कहना था कि मेरा यह विश्वास नहीं है कि मेरा स्वयं का लाभ हो और हमारे आसपास जो लोग हैं वे दुखी रहें। अगर हमारा आस पड़ोस दुखी है तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि व्यक्ति समुदाय के लिए अपना बलिदान करे, समुदाय जिले के लिए, जिला प्रांत के लिए, प्रांत राष्ट्र के लिए और राष्ट्र संसार के लिए अपना बलिदान करे। समुद्र से छिटकी हुई बूंद किसी का भला किए बिना नष्ट हो जाती है, लेकिन वही बूंद यदि समुद्र का अंश बनी रहती है तो अपने बक्ष पर शक्तिशाली पोतों के बेड़े के तरण का गौरव प्राप्त करती है। वे उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि समुद्र जो कि जल का भंडार है, यदि उसमें से कुछ बूंदें निकलकर इधर उधर बिखर जाती हैं तो वो किसी काम नहीं आती, बिना काम आए ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन वही जब समुद्र का अंश बनी रहती हैं तो अपने ऊपर से बड़े बड़े जहाज़ों को भी पार कराने का गौरव प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ में गांधी जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें समझाया है कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता और मानवता दोनों का ही होना बहुत ही आवश्यक है।